गुड मॉर्निंग ऑल यू मेरे प्यारे भैया और बहनों, आज हम आपको क्लास 7 के अंतर्गत सब्जेक्ट इंग्लिश में इंग्लिश रीडर में लेसन नंबर थर्ड पढ़ाने चल रहे हैं, जिसका नाम है काइट मेकर, पतंग शायद पतंग को बनाने वाला। ये लेसन कल हमने पढ़ाया था, तो आज हम उसके आगे पढ़ा रहे हैं। बात को कुछ ज्यादा समझना है। पेज नंबर 14 लास्ट की लाइन थी, इसमें लिखा है दैट इज डिक्रीजिंग इन साइज फ्रॉम 8 to 10। जो आकृति बनाई गई पतंग की वो ऊपर से नीचे की तरफ कम होती चली आई और एज्यूम्ड एंड अनटुलेटरी फार्म एंड गिव द काइंड द अपीयरेंस ऑफ ये क्रॉलिंग सर्कल। और ये मान लेना कि एंड अनटुलेटरी, इसका मतलब होता है ये पतंग जो होती थी इस तरह की बनी थी, ये नीचे और ऊपर हिलती डुलती थी, फार्म एंड गिव द काइंड द अपीयरेंस ऑफ ये क्रॉलिंग सर्कल। और जब पतंग चलती थी, उड़ती थी हवा में, तो ऐसे अपीयरेंस माने ऐसी प्रतीत होती थी, ऐसा अनुभव होता था आप एक क्रॉलिंग सर्पेंट, क्रॉलिंग माने रेंगने वाला, सर्पेंट माने सांप। जैसे एक सांप चलता है, इस तरह से शुरू में आपने देखा होगा पतंग जमीन पर चलती है। फिर इट रिक्वायर्ड ग्रेट स्किल टू रेज द कंबर्सम डिवाइस फ्रॉम द ग्राउंड, टू रिक्वायर ग्रेट स्किल टू रेज। और इस तरह की पतंग को ऊपर उठाने में या उड़ाने में अत्यधिक कुशलता की जरूरत होती थी, फ्रॉम द ग्राउंड माने जमीन से। एंड ओनली महमूद कुड मैनेज, सिर्फ महमूद ही ऐसा था जो इसको मैनेज कर सकता था, व्यवस्थित कर सकता था, उड़ा सकता था। ही नेम्ड दिस वंडरफुल काइट ड्रैगन का, और उसने इस आश्चर्यजनक पतंग का नाम जो था वो ड्रैगन काइट करके दिया। Everyone had heard of the dragon. उस नगर के, शहर के सभी व्यक्तियों ने इस ड्रैगन काइट की चर्चा को सुना। That महमूद had, जिसको महमूद ने बनाया था, इस तरह की ड्रैगन काइट की चर्चा शहर के लगभग सभी लोगों ने सुना। And rumors went round, और ये rumors, ये अफवाह went round, चारों तरफ फैल गई, that it possessed सुपरनेचुरल पावर। लोगों ने बता दिया इस पतंग में सुपरनेचुरल पावर है ना, सुपरनेचुरल मतलब प्राकृतिक शक्ति विद्यमान है, दैवी शक्ति है इसमें। अ लार्ज क्राउड असेंबल्ड, बहुत बड़ी भीड़, असेंबल माने इकट्ठा हो गए, इन द ओपन, बिल्कुल खुले जगह पर, टू वॉच, ये देखने के लिए, इट फर्स्ट पब्लिक लॉन्चिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द, इस पतंग की पहली लॉन्चिंग, पहले प्रदर्शन के समय, और वो प्रदर्शन किसके सामने हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ द नवाब, नवाब के सामने पहली बार जब इस पतंग को उड़ाया गया, एक भारी भीड़ इसको देखने के लिए इकट्ठा हो गया। एट द फर्स्ट अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट में, पहले प्रयास में, इट डिक्लाइन, डिक्लाइन माने मना कर देना, जैसे इस पतंग ने पहले प्रयास में मना कर दिया, क्या मना कर दिया, टू लीव द ग्राउंड, जमीन छोड़ने से ही मना कर दिया, अर्थात ये ऊपर की तरफ नहीं गई। एंड देयर वाज नो सफिशिएंट, कारण क्या था, वहां पर पर्याप्त हवा नहीं थी। द डिस्क मेड अ प्लेंटी, और फिर उस डिस्क ने लोगों को क्या कर दिया, प्लेंटी बना दिया, दुखी बना दिया। जब वो डिस्क माने वो पतंग जो गोलाकार आकृति की थी, जब वो हवा में ऊपर नहीं उड़ी, जितनी भीड़ थी वो भीड़ क्या हो गई, दुखी हो गई। प्रोटेस्टिंग साउंड एंड द सर्वा ट्रैप्ड इन द लिटिल मिरर मेकिंग द काइट अ लिविंग कंप्लेनिंग क्रिएचर। प्रोटेस्टिंग साउंड, प्रोटेस्ट माने होता है जैसे किसी को प्रतिरक्षित करना, सुरक्षित करना, प्रोटेस्टिंग साउंड,
और ऊपर जो पतंग जब उड़ती थी उसकी एक आवाज आती थी एंड द सन वाज ट्रैप, और ऊपर की तरफ जब उड़ती थी तो सूर्य का जो प्रकाश होता था वो क्या करता था उसको जैसे फंसा करके रख लेता था इन द लिटिल मिरर, उसमें जो छोटे छोटे कांच लगे हुए थे, जो आंखें लगी हुई थी, मेकिंग द काइट ए लिविंग कंप्लेनिंग क्रिएचर। पतंग को क्या बना रहे थे? मेकिंग काइट ए लिविंग कंप्लेनिंग क्रिएचर, पतंग को एक असंतुष्ट जीव के रूप में दिखा रहा था, क्योंकि उसमें जो कांच लगे थे उस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता था पतंग ऊपर की तरफ उड़ नहीं पाती थी, एक असंतुष्ट जीव की तरह वो पतंग दिखाई पड़ता। देन वन तब द विंड केम फ्रॉम द राइट डायरेक्शन, ठीक उसी समय दाहिने डायरेक्शन वाले दिशा से कुछ हवा का झोंका आया एंड द ड्रैगन काइट फ्लोट इन टू द स्काई, और जो ड्रैगन काइट थी एक स्कोर माने आवाज करते हुए इन टू द स्काई आकाश में चली गई, रिगलिंग इट्स वे हायर एंड हायर, रिगलिंग माने होता है चढ़ना बढ़ना, और ये पतंग धीरे धीरे ऊंचाई और ऊंचाई की तरफ बढ़ती चली गई। द सन इज स्टिल ग्लिंटिंग इन इट्स डेविल आई, और सूर्य का जो प्रकाश था ग्लिंटिंग माने चमक रहा था इन इट्स डेविल आई, है ना, इसकी बड़ी बड़ी आंखों के बीच में सूर्य का प्रकाश चमक। एंड व्हेन इट वेंट वेरी हाई, जब यह पतंग बहुत ऊंचाई पर चली गई, इट पुल्ड फोर्सली अप द ट्री, इट पुल्ड फोर्सली अप द ट्री, उसने बहुत जोर के धक्के से क्वीन माने उस धागे को खींचा एंड मामू से यंग सन हैड टू हेल्प हिम विद द रोप, और मामू का जो छोटा नाती है टू हेल्प, बेचारे को मदद करनी पड़ी मामू को रील को खींचने, क्योंकि पतंग आगे उड़ रही थी और वो डोर को खींच रही थी बहुत तेजी से, और महमूद का जो ग्रैंड सन है नाती है वो उसको महमूद के साथ मदद कर रहा था उस रील को, रील माने पतंग उड़ाने वाला धागा होता है, उसको खींचने में उसकी मदद कर रहा था। स्टिल द काइट पुल डिटरमाइंड टू बी फ्री टू ब्रेक लूज टू लाइफ अ लाइफ ऑफ इट्स, स्टिल द काइट पुल, उस काइट को पुल्ड माने खींचने में लगे हुए थे दोनों महमूद और उसका ग्रेंड, डिटरमाइंड टू बी फ्री, डिटरमाइंड माने होता है निश्चय का, डिटरमाइंड टू बी फ्री टू ब्रेक लूज, उसी समय क्या हुआ ब्रेक लूज खोला गिराई हुई और धागा जो था वो लाइव आप इसको ऐसा लगता था जैसे अपनी लाइफ की डोर खींची जा रही है, एंड इवेंचुअली इट डिड सो, अंत तो गत्वा ऐसा होगा द ट्वाइन स्नैप, ट्वाइन माने वो धागा स्नैप माने टूट गया, द गाइड लिव्ड अवे टुवर्ड द सन, और जो पतंग है वो धागे से टूट गए और कहां चले गए, अवे टुवर्ड द सन, सूरज की तरफ आगे बढ़ती है चले गए, सेलिंग ऑन इवन वार्ड, सेलिंग वाले अपनी यात्रा को उसने कहां जारी रखा ऑन इवन वार्ड स्वर्ग की तरफ, अंटिल इट वाज लॉस्ट टू व्यू, जब तक यह लोगों की देखने से खो नहीं गई, अर्थात लोग इसको तब तक देखते रहे जब तक यह लोगों की नजरों से गायब नहीं। एवरीबॉडी ट्राइड हिज बेस्ट, प्रत्येक व्यक्ति ने भरसक प्रयास किया, पूरी कोशिश किया टू फाइंड दैट वंडरफुल काइट, उस आश्चर्यजनक पतंग को हम क्या करें फाइंड आउट करें पता लगाए, बट वेन वाले लेकिन सब कुछ इट वाज नेवर फाउंड अगेन, यह दोबारा जीवन में फिर कभी पाई नहीं गई, अर्थात यह हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। एंड महमूद वंडर्ड आफ्टर वर्ड्स, कुल मिलाकर के आफ्टर वर्ड्स मतलब कुल मिलाकर के महमूद को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, इफ ही मेट टू विविट टू
living a thing of the great kind, he did not make another kind to life. उसने क्या किया है, he made to live it. जीवन वाले अलग अलग प्रकार के ढेर सारे पतंग उसने अपने जीवन में बनाया. Living a thing of the great kind, है ना, बिल्कुल सजीव पतंग का निर्माण उसने किया. He did not make another like it. लेकिन उसके जीवन में कभी भी ड्रैगन काइट की तरह का पतंग नहीं बना. He did not make another like it in a steel. इसके बजाय he presented to the Nawab a musical. उसने नवाब को एक म्यूजिकल का है, म्यूजिकल माने जिससे संगीतात्मक ध्वनि निकलती थी, एक ऐसी पतंग का निर्माण किया. One that made a sound like a violin. और ये पतंग वायलिन की तरह आवाज करती. When it rose in the air, वायलिन में सारंगी की तरह ये आवाज करती थी जैसे ऊपर जब उठती थी. Those were more restful and gentle day because the people had fine birds for them. Those were more restful, वे बहुत ही आरामदायक और जेंटल दिन, बहुत सज्जन भरे दिन होते थे उस समय की बात है. विकास क्योंकि द पीपल हैड फाइन वर्ड्स फॉर महमूद, क्योंकि लोगों के पास महमूद के लिए बड़े अच्छे शब्द होते थे, लोग बड़ी तारीफ करते थे. लेकिन द नवाब हैड डाइड इयर्स एगो, लेकिन वर्षों बीत गए, नवाब की मृत्यु हो गई. एंड हिज डिसेंडेंट्स, और उनके जो अनुगढ़ थे, उनके परिवार के लोग रहे. उतने ही गरीब हो गए जितना कि महमूद खुद था. काइट मेकर्स लाइक पोएट्स वंस हैड देयर पैटर्न्स. जो काइट मेकर्स होता है और जो पोएट होते हैं उनके क्या होते हैं, लाइक पोएट्स वंस हैड देयर पैटर्न्स. उनके वंश माने कभी कभी कहा हुआ करते हैं, जब समय बीत जाता है तो फिर ग्राहक भी साथ छोड़ देते हैं, पूरी कविताएं खरीदी कर लेते. बट नो वन न्यू महमूद, लेकिन अब कोई महमूद को नहीं जानता था. सिंपली सामान्य रूप से विकास देयर वे टू मेनी प्यूपिल इन द गली एंड दे कुड नॉट बी बॉथर्ड विद देयर नाइवनेस एंड दे कुड नॉट बी बॉथर्ड विद देयर नाइवनेस. अब कोई किसी से मतलब नहीं रखता था अपने पड़ोसियों से, कोई किसी से परेशान नहीं होता था. कोई किसी से जब मतलब नहीं रहते था तो परेशान नहीं होगा. एक भी रहे वे महमूद वाज यंगर एंड हैड फॉलेंस. जब महमूद यंगर माने नौजवान था, ठीक था, एंड हैड फॉलेंस, जब सिख जब वो बीमार पड़ा. इन द नाइबरहुड हैड कम टू आस्क अबाउट हिज हेल्थ. उस समय पड़ोस के लोग उससे हाल चाल लेने के लिए, पूछने के लिए आते थे. बट लेकिन नाउ आज का दिन है, वेन हिज डेथ वेयर ट्राइंग टू बी क्लोज. लेकिन जब आज उसके जीवन के दिन समाप्त की तरफ है, नो वन इंटरेस्टेड हिम, अब कोई भी व्यक्ति उससे मिलने नहीं आता. मोस्ट ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स वेयर डाइड, उसके ज्यादातर अधिकतर दोस्त अभी दुनिया में नहीं है, मर चुके हैं. एंड हिज सन्स हैड ग्रोन अप, यहाँ तक कि अब उसके लड़के भी बड़े हो गए हैं. वन वाज वर्किंग इन ए लोकल गैरेज, एक लड़का उसका स्थानीय गैरेज में जहाँ मोटर गाड़ियों की मरम्मत होती थी वहाँ काम करता था. एंड द अदर हु वाज इन पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन. और उसके जो दूसरा लड़का था वो पाकिस्तान में था, क्योंकि एट द टाइम ऑफ द पार्टी से बंटवारे के समय वो नहीं था. हैड नॉट बीन एबल टू रीजॉइन इन द रिलेटिव्स, हैड नॉट बीन एबल, वो इतना सक्षम भी नहीं था कि वो अपने रिलेटिव से रीजॉइन हो पुनः मिल सके. देयर वाज नो वन टू टेक केयर ऑफ दिस पुअर ओल्ड मैन. अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इस बेचारे गरीब और बूढ़े व्यक्ति की देखभाल कर. The children who had bought kites from him 10 years ago were now grown men. और वह बच्चे जो आज से 10 वर्ष पहले उससे पतंग खरीद कर लाते थे और उड़ाते थे, अब वो लड़के भी समय के साथ बड़े हो गए. Struggling for a living, struggling माने संघर्ष,
अब वही लड़की 10 साल के बाद बड़े हो गए, अब वो भी निकलने वाले संघर्ष करने लगे लिविंग वाले जीविका के, अपनी जीविका के। दे डू नॉट हैव टाइम फॉर द ओल्ड मैन, अब उन लोगों के पास भी उस बूढ़े व्यक्ति के लिए समय नहीं था, एंड हिज मेमोरी और उनकी याद भी नहीं थी। दे हैड ग्रोन अप इन ए स्विफ्टली चेंजिंग एंड कंप्लीट वर्ल्ड, दे हैड ग्रोन अप इन ए स्विफ्टली चेंजिंग, वे तेजी से बदलते हुए इस संसार में बड़े हुए, एंड कंप्लीट वर्ल्ड और इस प्रतियोगिता भरे संसार में, एंड दे लुक्ड एट द ओल्ड काइट मेकर एंड द बनियान विद द सेम इंडिफरेंस, उन्होंने देखा एंड दे लुक्ड एट द ओल्ड काइट मेकर, उस बूढ़े पतंग बनाने वाले को, एंड द बनियान और उस बरगद के पेड़ को विद द सेम इंडिफरेंस, विभिन्नताओं के रूप में देखा। Neither they had feeling nor yet different type of love, न तो लोगों के पास कोई फीलिंग रही, कोई संवेदना रही उस बूढ़े व्यक्ति के प्रति, और न ही थोड़ा सा समय था कि चलो एक महमूद को भी देखते हैं। महमूद एंड द बनियान ट्री हैड नो इंपॉर्टेंस इन द लाइव्स ऑफ द पीपल, महमूद और वह बरगद का वृक्ष लोगों के जीवन में इतना महत्व नहीं रखता। As they were busy in their modern age, क्योंकि लोग अब अपने आधुनिक दुनिया में खो गए। No longer did people gather under the banyan tree, discuss their problems and their plans. अब कोई व्यक्ति उस बरगद की छांव के नीचे बैठ करके अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी समस्या के बारे में, अपनी योजना के बारे में अब कोई चर्चा नहीं। Only in the summer month, सिर्फ गर्मी के दिनों में, did a few seek shelter, कुछ शेल्टर माने शरणार्थी जिनको छाया की तलाश होती थी, वही गर्मी के दिनों में आकर के तपती हुई सूर्य के नीचे छाया लेने के लिए बैठे। Everything had changed, प्रत्येक बातें परिवर्तित हो गई। So did the life of Mahmood, इसी तरह मनमोहन का जीवन भी परिवर्तित हो गया। But there was a boy, एक ग्रैंडसन, लेकिन एक लड़का था जो उसका नाती। इट वाज गुड दैट महमूद सन वर्ड क्लोज बाय फार इंस्पायर्ड द ओल्ड मैनस हार्ट टू वॉक द स्मॉल बॉय एट प्ले इन द विंटर सनशाइन ग्रोइंग अंडर हिज आइज लाइक ए यंग एंड वेल नरिश्ड सैपलिंग पुटिंग फोर्थ न्यू लीव्स ईच डे। बट देयर वाज द बॉय हिज ग्रैंडसन, लेकिन एक नाती उसका, इट वॉज गुड, बहुत अच्छा था, दैट महमूद सन वर क्लोज बाई, उसका कारण क्या था कि महमूद का जो लड़का था वो महमूद के पास ही रह करके था और निश्चित रूप से अपने पिता महमूद की सेवा करता था, और सारी इंस्पायर्ड दी ओल्ड मैन्स हार्ट, और उसको देख करके वो जो उसका ग्रैंड सन नाती वो प्रभावित होता था, और ये द ओल्ड मैन्स हर्ट टू वॉच द स्मॉल बॉय एट द प्ले इन विंटर सनशाइन, और वो बूढ़ा जो महमूद था उस अपने नाती को जो छोटा था वो प्ले इन द विंटर सनशाइन जाड़े के समय सूर्य के प्रकाश के नीचे जब खेलता था, ग्रोविंग अंडर हिज आइज, अपनी आंखों के सामने महमूद उसको बढ़ता हुआ देखता है, कैसे बढ़ रहा है, लाइक ए यंग एंड वेल नरिश्ड सैपलिंग, सैपलिंग माने छोटा पौधा, जैसे एक छोटा पौधा उसको लगा दिया जाए और उसमें धीरे धीरे नई पत्तियां प्रतिदिन आ रही है, और पौधा लगाने वाला व्यक्ति प्रतिदिन उसको खींचता है और अपने सामने उसको देखता है बढ़ते हुए, ठीक उसी प्रकार से महमूद अपने सुनाते को। वैसे भी संसार का सबसे बड़ा सुख है अपने बच्चे को अपने सामने बढ़ते हुए और पढ़ते हुए देखना, ये सुख उस महमूद को मिल रहा है। देयर इज ए ग्रेट सिमिलरिटी बिटवीन ट्रीज एंड मैन, मानव में और वृक्ष में एक गहरी समानता है। वी ग्रो एट मच द सेम पेस, हाँ उसी गति से बड़े होते हैं। इफ वी आर नॉट हर्ट आर स्टार आर कट डाउन, यह हमको चोट न पहुंचाई जाए आर स्टार आर कट डाउन, और हमको भूखे लोग उसको काटे पीटे ना। इन आवर यूथ
अपनी भारी जवानी में अगर हम लोगों के साथ इस तरह की घटना ना हो, वी आर रिफ्लेक्टेड क्रिएचर, हम लोग रिस्प्लेंडेड क्रिएचर, हम लोग क्या हो, एक सजीव जीव की तरह आगे बढ़ेंगे, एंड इन आवर डिक्लाइनिंग ईयर और डिक्लाइनिंग ईयर वी बेंड डाउन, ये जब समय आएगा बढ़ती उम्र के साथ तो हम क्या करेंगे, थोड़ा झुक जाएंगे। We remember we stretch our weak limbs and then with a sigh we said our laughing. We remember, हमको याद है, we stretch our weak limbs, जब समय बीत जाए तो हमको क्या करना चाहिए, we stretch our weak limbs, हम अपने कमजोर हाथ पांव को फैलाते हैं, and then with a sigh our then we said our laughing, है ना, we said our laughing. माने छाया लेना, अब बुढ़ापे में हम लोगों को निश्चित रूप से छाया की जरूरत है, वो छाया हमारे घर और परिवार के लोग हमारे बच्चे होते हैं। महमूद वाल लाइन बनियान, महमूद उस बरगद के ब्रिज की तरह है, ही हैड नॉट लैंड ट्विस्टेड लाइक द रूट्स ऑफ द एंशिएंट ट्रीज, उसके जो बनियान बरगद के ब्रिज की तरह महमूद है, जिसके हैंड्स माने आप तना झुक चुके हैं, एंड ट्विस्टेड लाइक द रूट्स ऑफ द एंशिएंट ट्री, और वो किस तरह से लग रहा है, जैसे रूट्स ऑफ द एंशिएंट ट्री, जैसे वो विशाल बरगद का वृक्ष की शाखाएं हैं, खड़े हैं। अलीबाल लाइक द यंग मिमोसा प्लांट सिचुएटेड एट द एंड ऑफ द प्रोटी, और जो अली है वो मिमोसा प्लांट की तरह है जो सिचुएटेड माने स्थित है एट द एंड ऑफ द प्रोटी, जो आहाते की अंदर तरफ स्थित है उसकी तरफ। In 2 years, both he and the tree would acquire the strength and confidence of their ally. In 2 years, 2 वर्ष में ही वो दोनों he and the tree, अर्थात अली और वृक्ष ने, would acquire, प्राप्त कर लेंगे the strength and confidence of their ally। अपने युवावस्था में आने पर वो मिमोसा का वृक्ष और अली निश्चित रूप से अपनी शक्ति को प्राप्त करते हैं। द वॉइसेस इन द स्ट्रीट गिव फेंटर, अब गलियों की आवाज भी धीरे धीरे मुरझा गई, अर्थात उस तरह का शोर शराबा शोरगुल नहीं सुनाई पड़ता। एंड महमूद वंडर, महमूद को बड़ा आश्चर्य हुआ, इफ ही वाज गोइंग टू द फॉल एस्लीप एंड ड्रीम, जब वह चला जाएगा सो जाएगा, ये अंडर स्टोन That is time was here. Thank all of you. आज की वीडियो में बस इतना ही।
करवाने आज चालू नहीं हुआ है, जहाँ मैं आज विज्ञान की श्री गणेश कर रहा हूँ।